फिर वहाँ पे जो ग्रीनरी है ना, ये वो लोग का फार्मिंग है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान साइड पड़ती है। हुंडर होटल, हुंडर स्टे एंड कैंप्स का रूम था, 1000 रुपीज़ में रूम मिला, बहुत सही था। देखा था आपको, बहुत बड़ा रूम था। एंट्री, ये वॉशरूम, मुझे अच्छा खासा रूम, ये कवर्ट, ये बाहर का व्यू तो अभी दिख रहा है। सो अभी हम लोग जो है यहाँ पे स्टे एक्सटेंड कर रहे हैं आज के दिन, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं तुरतुक विलेज, और तुरतुक से रिटर्न आएगी और यही रुकेगा और कल सुबह निकलेंगे पैंगोंग के लिए। सो तुरतुक इज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, इट विल टेक अराउंड 2 to 2.5 hours। सो अभी हम लोग यहाँ से तुरतुक जा रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। सी ऑन रोड्स। दिस इज डे 5 or 6, आज फ्राइडे 29th आई गेस। हम लोग आए थे जम्मू 24th को। सो अभी यहाँ हम लोग आज हम लोग हैं नुब्रा वैली में। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम नुब्रा। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तुरतुक विलेज, और तुरतुक से क्या ना LOC का बॉर्डर टाइप है, लाइक बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का। तो वहाँ तक अराउंड 80 किलोमीटर्स है। मोबाइल पे जो अभी नेविगेशन पे चेक किया तो वो बता रहा है 2.5 hours, तो 3 hours पकड़ लो, बीच में रुकेंगे चाय वाय पीने तो, और वहाँ जाएंगे, फिर आएंगे, फिर इवनिंग में नुब्रा घूमेंगे। सो सी यू ऑन रोड्स। देख सकते हो यहाँ पे एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा रही है, वहाँ पे लिखा हुआ है वी ब्रिज 1 vehicle at a time। एक ही 4-wheeler या जो भी ट्रक है, फुट ट्रेवल रहता है ना, वो एक ही एक टाइम पे जाते हैं, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। और ये आप देख सकते हो वाइट सेंड स्टार्ट हो गया पूरा यहाँ। सर ये बॉर्डर कौन सा, ये वाला है क्या? बॉर्डर ये वाले थंग बॉर्डर। अच्छा, और पहले तुरतुक हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, पहले इधर सीधा इधर जाओ ना, उसके अच्छा। बाद वापस आके इधर घूमो तुरतुक। अच्छा। की इधर ऊपर से सीधा थंग जाए। हाँ, सीधा हाँ। थंग तक जाओ चलेगा। थैंक यू। फिर वापस आके तुरतुक घूमो। अच्छा, ऊपर से भी रास्ता है। हाँ वही ऐसे। तो हम लोग अभी यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट थंग जाएगा, थंग से फिर तुरतुक आएगी। हमने ये बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा। चलो ऐसे ही करते।
तो ये एक चेक पोस्ट है जहाँ पे बाइक का रजिस्ट्रेशन लग करना पड़ता है, नाम नंबर और कितने लोग है। वी आर इन टुकटुक विलेज और अभी अपने को ये मिले सबसे भारी चीज, महाराजांचा झेंडा। हाँ, ये भाई सातारा से प्लैटिनम पे कभी निघालात तुम्ही? मला 16 दिवस झाले। कुठे कुठे झालं? इकडून आलो गुजरात राजस्थान दिल्ली। अच्छा, बाय रोडच आलात? बाय रोड। सही आहे, सही आहे। स्पीती वेले करून। अच्छा, पूरी स्पीती गेली? पूरी स्पीती गेली। किती गेली तुम्ही? 8 दिवस झाले। स्पीतीला केवढे दिवस गेले? 4 दिवस भैया। लोग रुके थे यहाँ पे, एक मस्त सा व्यू था, अभी निकल रहे आगे फटफट, थोड़ा और टाइम जाएगा। अभी जा रहे बॉर्डर की तरफ, वी आर इन गाइडर, वी आर इन टुकटुक विलेज, मस्त विलेज एकदम। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर से चेक पोस्ट चेक किया था, लास्ट चेक पोस्ट ना वहाँ जा रहे हैं। बॉर्डर विलेज टैंग, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ से शोक का ये, और आइए जहाँ से आर्मी एलओसी की तरफ रोड जाते हो, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया 3.5 किलोमीटर। जस्ट 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पी ओ के, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो बलूचिस्तान आई गेस जिसको बोलते जितना मुझे याद है, और गिलगित पाकिस्तान ऐसा मुझे। तो वो जस्ट 2 किलोमीटर्स थे यहाँ पे, एंड यस दिस इज सो प्राउड मोमेंट, हम यहाँ तक आ गए आज, यहाँ तक। सो वी आर इन द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया नॉर्दर्न एंड, और यहाँ से पूरा पाकिस्तान का जो विलेज है ना वो दिखता है, और वो लोग के जो यहाँ पे पीछे जो गाइड है उन्होंने हम लोग को बताया था, वो लोग के बंकर्स नहीं दिखते, एक जो विलेज है वो दिख रहा है, और कौन सा जैसे माउंटेन्स वो लोग का, और कौन सा अपना इंडियन आर्मी का है वो। सो इसमें अगर जूम करें ये तो यहाँ पे ना ये वाइट वाला ये इंडियन आर्मी का है, फिर ये पीछे का जो माउंटेन है वो पाकिस्तान का है, फिर वहाँ पे जो ग्रीनरी है ना ये वो लोग का फार्मिंग है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान साइड पड़ती, ये वो लोग का ही पूरा एरिया। यहाँ पे जो पीछे के वो माउंटेन्स है ना वो उन्होंने बोल रही थी जो जिससे हम उन्होंने बायनोकुलर दिया, ये पाकिस्तान में माउंटेन। सिंपल में ये जो नदी के साइड वाला एरिया है ना पाकिस्तान का। तो ये आर्मी बंकर में जाके आते, रूम आउट करते हैं। तो बंकर कुछ ऐसा है, अभी वहाँ पे पूरा कचरा जमा है अंदर, तो जाने नहीं मिलेगा, पानी जमा है पूरा। तो ये 1971 के वॉर का ये बंकर था, और वो वहाँ पे पाकिस्तान वहाँ से। तो वी आर डन, अभी हम लोग यहाँ से निकल गए, नीचे तुरतुक रुकेंगे थोड़ा, कुछ चाय वाय पिए तो पिएंगे और फिर निकल जाएंगे, कुछ थोड़े बहुत फोटोज वोटोज वो करके, फिर आज ये है कि अंडर स्टेस एंड कैंप। आज हम लोग का रूम में नहीं है, आज रूम खाली नहीं था, तो हम लोग को
कैंप में मिल रहे ना। वेलकम डेक्स, वेलकम बैक। सेम डे आज फ्राइडे है। लास्ट फ्राइडे को घर से निकले, ऑलमोस्ट 7 डेज हो गए। लास्ट फ्राइडे को रात का फ्लाइट पकड़ा था। सो राइट नाउ वी आर हियर इन नुब्रा वैली सैंड ड्यून से। यहाँ पे जो सैंड है ना उसका कलर काइंड ऑफ वाइट है। सो जस्ट हम लोग ऐसे टाइम पास करने आए थे, देखने हो वो कैमल राइड है। सब कैमल राइड 350 रुपीज़ का है। मैं तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल बाइक चलाना है नुब्रा टू पैंगोंग, और वो बहुत कुछ 160 समथिंग किलोमीटर है, बट अराउंड 5 आवर्स ले रहा है। रोड बहुत ख़राब है ना, तो रिक्स लेना नहीं है। कमर दुखने स्टार्ट हो गई तो लग जाएगी पूरे ट्रिप के। सो हम लोग बस यहाँ आए, एक ड्रोन शॉट ले गए।